happening, huh? Good. Too much reading, eh? तो पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा कि पाहिया में हमने कैसे मजे किए थे और कैसे रूपांगी ने मुझे सरप्राइज किया था। रूपांगी बाहर आई नहीं रही थी, उसको गर्मी आना बिल्कुल पसंद नहीं है। That's really wonderful. तो अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लिविंग देसी की चैनल पे जाओ और पहले वो वीडियो जरूर देखो। एक और बात, वो वीडियो मेरी पहली वीडियो थी व्लॉग की, तो आप जरूर देखना। तो बात करते हैं इस व्लॉग की। सो पाहिया से निकलने के बाद दूसरा हमारा डेस्टिनेशन था रसल, वन ऑफ द मोस्ट प्लेजेंट सिटी ऑफ बे ऑफ आइलैंड। वैसे पाहिया से रसल हम बाय रोड भी जा सकते थे, पर उसमें इजीली 1.5 आवर हो जाएगा, तो इसलिए हमने एक और रास्ता अपनाया। तो 15 मिनट की फेरी और उसके बाद आधा घंटे का ड्राइविंग, उसके बाद हम रसल पहुंच गए। वहां पे जैसे लोग मजे कर रहे थे उनको देख के मुझे मेरे गांव की याद आ गई। अच्छा, तो हमारी पहले पूरी सिटी एक्सप्लोर करने की थी, पर बजट ट्रैवलिंग में पैसे और टाइम दोनों की बहुत कमी होती है, तो हम वहाँ के नजदीक के सबसे पुराने वाले चर्च में चले गए, जो एक हिस्टोरिकल प्लेस भी माना जाता है रसल का। बी वन ऑफ द लाइक ओल्डेस्ट बिल्डिंग है इन रसल की, एंड यहाँ पे सबसे पहले बाइबल का मौरी में ट्रांसलेट हुआ था। वैसे मुझे चर्च के बारे में उतना पता था नहीं, पर वहाँ जाके हमें एक शांत फीलिंग जरूर आ रही थी। तो थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद और थोड़ा बहुत घूमने के बाद हम वापस से रसल वाफ पे चले गए, क्योंकि आज कुछ खास था। आज हमें क्रूज में जाना था सी लाइफ देखने के लिए, पर उससे पहले हमें बहुत भूख लगी थी, तो हम पहुंच गए एक कैफे में, पर वहां पे भी हमारा कट गया। सी साइड रेस्टोरेंट एंड बार पे है और हमने अपना खाना ऑर्डर किया है, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक ही वैरायटी थी वेगन फूड को लेके। रूपांगी विल शो यू व्हाट वी ऑर्डर्ड। ऑलरेडी ऑर्डर वीगन बीटरूट बर्गर, सो आई थिंक मुझे लगता है कि उसमें जो पैटी है बर्गर की वो बीटरूट की बनी हुई है और उसको सैलो फ्राई किया हुआ है, और उसके साथ एवोकाडो है, टोमेटो है, कैप्सिकम, ओनियन एंड स्पिनच एंड काले है, और उसके साथ चिप्स, बेस्ट कॉम्बिनेशन। रूपांगी अब कहाँ जाना है? एक्साइटमेंट के कारण हम टाइम से पहले वहाँ पे पहुँच गए। टू मच वेटिंग है, पर हमारा फिर से कट गया, हम रॉन्ग क्रूज में आ गए। हमारी क्रूज ये है, और थोड़ी ही देर के बाद हमारी भी क्रूज आ गई। थैंक यू वेरी मच। तो 1.5 घंटे की क्रूजिंग के बाद हमारा पहला स्टॉप ओवर आ गया उरुपुकपुका आइलैंड। हम पहुंच गए उरुपुकपुका आइलैंड, और उसकी ब्यूटी के बारे में मैं क्या बताऊं, अब खुद ही देख लीजिए। सो रिलैक्स। तो 1 घंटे में 999 फोटो खींचने के बाद रूपांगी को रियलाइज हो गया सगल का क्या है, दिल खूबसूरत होना चाहिए। तो मछलियों के साथ घूमते घूमते और बड़े वाले पत्थर के बीच में से होकर हमें वापस रसल आना था।
literally going through the hole. That's the hole in a rock. पर रसल में अभी भी एक और जगह बाकी थी और ये वाली जगह तो ऐसी थी कि शायद इंद्रदेव भी पिकनिक मनाने के लिए जन्नत छोड़ के यहाँ पे आते होंगे। पहुँच गए हैं फ्लैग हिल पे और ये ब्यूटीफुल व्यू देखो। हेलो पीपल, अरे अब कहाँ छुप गए तुम पतिदेव? ये देखिए यहाँ पे पाया गया एक बंदर। आइलैंड कितना ब्यूटीफुल है यार, रसल सबसे ब्यूटीफुल है सच में। ये देखो यार ये जगह पे पूरा दिख रहा है सब कुछ, वाओ। हमें सच में जाना है यार, हमें आज यार मन कर रहा है मैं आज यहीं पे रह जाऊं। वाओ, मेरे को होटल में भी नहीं जाना, मेरे को यहीं पे रहना है, ऐसा मन कर रहा है। बहुत अच्छी जगह है यार, बहुत अच्छी जगह है यार। मैं ट्राई करूंगा वीडियो में जितना दिखा सकूं इतना दिखाऊंगा, बट सच में अगर आप यहाँ पे आओगे यार ये जन्नत है सच में, ये न्यूजीलैंड की जन्नत लग रही है मेरे को। हाँ पूरी शाम वहां पे बिताने के बाद आज का सफर हम यहीं पे खत्म करते हैं, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। वैसे तो अभी मैं नया हूँ पर बहुत मजेदार चीजें आने वाली है, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।